यूपी से हैं शारदा जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो हाँ जी, मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वाले मैम। इस्लाम। तो भी मेरा नाम जय हिंद, स्वागत है आपका। बताइए मैम, सवाल करिए। मैम, मेरे ना आपकी है सर्जरी कराई नाक का सर्जरी कराइए किस चीज़ की? दांत की, दांत हमारी दांत की, दांत हाथ की, की दांत की दांत की? दांत अच्छा, दांत सवाल क्या है की आपका? जी। तो उसमें ना कोई भी दवा वगैरह जो नीचे आती हो और दांत के जो तलवे हैं। छींकें आ रही हैं, आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। जी मैम, एक बार दोबारा दोहराइए अपना सवाल। अभी मैं मैंने ना दांत की सर्जरी कराई ठीक है। थी, उसमें नहीं, मैं 3 साल हो गए। मैम तकलीफ बताइए, तकलीफ क्या हो रही है आपको? उसमें नहीं, मैं मतलब चीज खाना वगैरह तो मेरे ना उसमें चीजें बहुत आती है, मतलब वगैरह ना ठीक किसी है, चीज को इस्तेमाल करूँ तो चीजें बहुत आती है, और ना भूख या मुंह से मुझे। हकीम साहब छींकें बहुत आ रही हैं, उससे आगे की बात समझ नहीं आ रही हाँ है। बेटा, आपकी आवाज़ ऐसे लहरा के आ रही है, दरिया के पानी की तरह, कभी आती है कभी नहीं। छींकें अगर आ रही हैं तो आप इम्यूनिटी पर काम करें। इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता आप में कम है। जिसको भी छींके, खांसी, बलगम, नज़ला रहता है तो वो जब तक नहीं जा सकता जब तक इम्यूनिटी पूर्ण रूप से ना हो, इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इम्यूनिटी का नुस्खा मैं अक्सर बताता ही हूँ, सपिस्तान, उन्नाव, अलसी। तीन चीज़ें 100-100 ग्राम लें, सपिस्तान, उन्नाव, अलसी 100-100 ग्राम, और इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाकर इसका पाउडर बनाकर आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाया करें। गर्म पानी से खट्टी चीज़ें छोड़ दिया करें, बिल्कुल खट्टी चीज़ें, नींबू, इमली, आम का अचार सब छोड़ना पड़ेगा। फिर आप इसे इस्तेमाल करें और 5-6 महीने करें ताकि ये झंझट ही आपका ख़त्म हो जाए छींके आने का। थोड़ा यूनानी में ज़्यादा दिन दवा खानी पड़ सकती है। जी, संबल से हैं सुल्ताना जी, स्वागत है आपका मैम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। हाँ ठीक है आप? जी हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ। शैला जी, आपको तो देखकर दिल खुश हो जाता है, बिल्कुल मुझे शुक्रिया डॉल लगती हैं आप। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। हाँ, और हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम, जीती रहिए। बुढ़े कैसे हैं आप? आदमी की कोई तारीफ नहीं करता, सब जवानों की करते हैं। आप तो है ही अच्छे, ज्यादा तारीफ करते हुए डर लगता है मुझे, इसलिए डर लगता है, पूछो क्यों। कभी जी कभी नजर हो जाती है, जब ज्यादा इंसान तारीफ करता है तो मुझे डर लगता है कहीं इस तारीफ को भी नजर ना हो जाए, मोहब्बत ज्यादा करता है तो मोहब्बत को नजर ना हो जाए। तो आप चाह रहे हैं इनको नजर हो जाए? किसको? शैल, शैलजा जी को? नहीं, शैलजा जी को नहीं होगा, मैंने माशाल्लाह कहा है, माशाल्लाह तो बहुत अच्छी लगती है। आपने भी मेरी बात एकदम पकड़ के 2 पॉइंट जवाब दे दिया। पहले नहीं, मैं तो खुद जवाब चाह तो रहा हूँ, आपके मैं तो खुद चाह रहा हूँ शैलजा को नजर हो जाए, मुझे नहीं हो। नहीं, माशाल्लाह से आप दोनों ही बहुत अच्छे हैं, ना शैलजा जी को नजर होगी और ना आपको होगी, और नजर भी अलग अलग तरीके की होती है, और सच पूछो तो नजर होती भी अपनों की है क्योंकि अपने ही तो ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन माशाल्लाह आप बहुत अच्छे हैं दोनों, और इंशाल्लाह नजर नहीं होगी। और नजर अगर होगी तो उसके भी इंतजाम है, अल्लाह बहुत नजर बड़ा है उतार देना फिर दूर से ही टेलीविजन के जी। ऐसे। बिल्कुल, ये काम तो कर चुकी हूँ बहुत अच्छे। मैंने कहा नहीं था, आज आपकी बात का जवाब दिया है तो कह रही हूँ। जी चलिए
जी कैसे आप? ठीक है, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, और आपकी हर जायज़ तमन्ना अल्लाह पूरा कर दे। आप बहुत अच्छी लगी, खुश हो गई हमारी बात से, तो हम भी खुश हो गए। आपकी बात से तो हमेशा मैं खुश रहती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और दो दिन आप कहाँ थे ना, सैटरडे में आपका पता लगा ना संडे में पता लगा आपका, दो दिन आपने प्रोग्राम नहीं दिया। वैसे मैं सोच रही थी हो सकता है दिल्ली आ गए हो आप। दिल्ली आ गया गांव से। अच्छा, और आपको बता दूं कि जी एक संस्था, विदेश की संस्था ने मुझे डॉक्टरेट का डिग्री दी, पीएचडी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो प्रोग्राम चल रहा था तो किसी ने पूछा, शगुफ्ता आपने क्या किया है? तो मैंने कहा ये पीएचडी है, लेकिन मैं भी कल से पीएचडी हो गया हूँ। तो मैं और शगुफ्ता तो पीएचडी है, पता नहीं शैलजा क्या है, मुझे नहीं पता भाई। शैलजा की खूबियाँ सामने से ज्यादा दिखती हैं और अंदरूनी भी हैं, और इतनी खूबियां सामने दिखती हैं तो अंदर कौन सी खूबी नहीं होगी इनकी, बताइए क्या सवाल पेश? अच्छा हाँ, मैं ये कह रही थी कि पहली चीज तो ये, आपको मुबारक हो, आपने ये खुशखबरी सुनाई, बड़ा अच्छा लगा। और आज हमारे जो दूध देते हैं घर पे वो आए थे, तो पिछले दिन उनकी मदर की बहुत तबीयत खराब थी। मैंने पूछा क्या हो गया, कहने लगे उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है और उनको शुगर भी है। तो मैंने कहा आप उनको जैतून का सिरका मंगा लीजिए, अतिया हब कंपनी का, मैं आपको हेल्पलाइन नंबर जो है वो दे दूंगी आपको। तो बोले मेरे तो अभी हालात नहीं है बाजी। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप परेशान मत। तो मैंने कहा मेरे पास खैर ले जाओ, मैंने उनको ऐसी बटल उठा के दे दी और बता दिया। आज वो मुझे बता रहे थे मेरी माँ को बहुत फायदा हुआ है, अब उनका बीपी भी नहीं बढ़ता है, शुगर में भी उनके कंट्रोल है, और बाकी मैंने कहा और सुकून भी है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात को सुन के, और कहने लगे आप मुझे दोबारा और मंगा सकती हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल मंगा दूंगी मैं आपको नंबर दे दूँ। तो बोले नहीं बाजी, मैंने कहा चलो अच्छा मैं मंगा दूंगी, मैं समझ गई क्या कहना चाह रहे हैं। तो बहरहाल मैं ये खुशखबरी सुना रही हूँ कि बड़ा अच्छा लगता है जब लोगों को फायदा होता है और वो बताती हैं आकर। और मेरा सवाल ये है कि मैं पूछ रही थी गोंद मुरिंगा और ये गोंद सिया, क्या हम गर्म पानी के साथ यूज कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं जी। और कोई सवाल तो नहीं है मैम आपका? हाँ एक सवाल और है। दूसरा सवाल ये है कि हमारे जो प्रदीप सर हैं उनको बता रहे थे कि रात में नींद नहीं आती, तो मैंने उनको भी वही जैतून का सिरका बताया था, आप रात में लीजिएगा 2-3 चम्मच पानी में डाल के, इंशाल्लाह आपको नींद आएगी। और उनको यूरिन के लिए बता रहे थे, हर घंटे मुझे वहां जाना पड़ता है टॉयलेट में। तो मैंने कहा अरे तो बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको फिर बताया, मैंने कहा एक वो लाजवंती आती है, लाजवंती आप ले लीजिए और चिलगोजे का गोंद और वो एक चुटकी डालना है, और लाजवंती आधा चम्मच और आधा चम्मच ये अलसी का पाउडर, और इसको आप दिन में एक बार या दो बार ले लें। अब मुझे ये नहीं पता ये पानी से लेना है या दूध से लेना है, तो मैंने बताया तो उन्हें पानी से ही। मैंने कहा जब हकीम साहब ने अपना ही नुस्खा बताया था तो दूध का कहीं जिक्र नहीं किया था, पानी का ही किया था। तो आप बताइए क्या ये बात सही है? जी हाँ, बहुत खिदमत माशाल्लाह कर रही है आप, और आपकी मोहब्बत ऐसी है कि लोगों को फ़ायदा भी हो जाता है। शायद मैं नुस्खा बताऊं तो इतना फ़ायदा ना हो, आपकी मोहब्बत से ज़्यादा फ़ायदा रहता है, नियत होती है, क्योंकि आप में खिदमत का जज्बा है और लोग इसका फ़ायदा भी उठा लेते होंगे। मैं जानता हूं कि एक आदमी जो अपनी माँ को दवा दिलवा रहे हैं, एलोपैथिक तो दे रहे हैं, उसके लिए उनके पास पैसे हैं लेकिन यूनानी के लिए नहीं है, तो अल्लाह आपकी हिफाजत करे। बहरहाल ये नुस्खा जो आपने कहा ये पानी से भी ले सकते हैं, दूध से भी ले सकते हैं, दोनों सूरत में फ़ायदा करता है। खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। आपने सारे नुस्खे लिख रखे हैं और यही नुस्खा है, और एकदम जाम कर देता है। किसी को वो पेशाब बार बार आता हो, किसी को वाइट डिस्चार्ज की शिकायत हो, किसी को सैलान की हो, यानी औरतों के मर्ज़ को सैलान कहते हैं, मर्दों के मर्ज़ को जिरियान, जिसे धातु रोग भी कहा जाता है। ये अक्सर ख्वातीन में यानी
महिलाओं में और बच्चों में ये परेशानी है और वो शेयर भी नहीं कर सकते। एक दो खुराक अगर खा लें तो उसी दिन एकदम जाम कर देते हैं। ये घरेलू नुस्खा है, आपको याद है, और उनको बहुत अच्छा काम करेगा और उन्हें ज़रूर दीजिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली कॉलर है शारदा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम, हकीम साहब से बात करना थी आपसे। मेरी एक हफ्ते पहले बात हुई थी। तो मेरे हस्बैंड को क्लॉटिंग हुई थी, उस बारे में फोन कट गया था, पूरी बात नहीं हुई थी। तो मैंने बोर्न सिया मंगवा लिया है, क्लॉटिंग हो रही है, उनका नमक आपके इधर से मंगवाया है। जी 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 ठीक है। तो उसको कैसे देना है, और उनको शुगर भी है, वो पूछना था मुझे आपसे। ठीक है। अच्छा देखिए, गौन सिया आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को लेना है। ये उनके दर्द के लिए है, और क्लॉटिंग के लिए और नसों में ताकत के लिए है। और क्लॉटिंग के लिए ये जो नमक जैतून आया है, एक चुटकी में जितना आ जाए पानी में मिला दीजिए, एक गिलास में या दो गिलास में। और एक चुटकी आप जो मीठा सोडा आपके किचन में होता है ना, बेकिंग पाउडर जिसे कहते हैं, मीठा सोडा या खाने का सोडा, वो भी मिला दीजिए, एक एक चुटकी दोनों। और सुबह और शाम दो बार दीजिए, कभी भी दीजिए, दो बार देना है सुबह और शाम, ये पानी पिलाना है। तो इससे क्लॉटिंग्स में और फालिज में और चर्बी में कमी आएगी, और ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ जाने लगेगा, कोलेस्ट्रॉल कम होता है। और डायबिटीज़ की दवा लेते रहें, और डायबिटीज़ के लिए गौन चिलगोज़ा एक एक चुटकी लिया जाए तो डायबिटीज़ भी कम होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं प्रेमचंद त्यागी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। जय हिंद, स्वागत है सर। और ठीक है तबीयत सर जी? सब बहुत बेहतर है, आज आपके सामने हूँ, शैलजा त्यागी बैठी हैं। त्यागी साहब, हाँ मैंने देखा है कि लाइव आ गए आप स्टूडियो में, बड़ी खुशी है आपको देख के जी। और सर आदमी आया तो जमीन पे भगवान ने इसीलिए भेजा है कि लोगों की खिदमत करे, दुख सुख में काम आए। लेकिन इंसान एक ऐसा है, पता नहीं किस दुनिया में खो जाता है और क्या करने लग जाता है आगे, धरती पे आता तो इसीलिए है वो। लेकिन बहुत आदमी ऐसे भी हैं जो दुख सुख में काम आते हैं आप जैसे। धन्यवाद। और सर मेरे सवाल भी हैं, और दो केस मैंने बाद किए हैं अभी। उनके शरीर पे ना खून निकलता था और ये रेशा निकलता था सारे शरीर पे, कपड़े नहीं पहन सकते थे। दो बंदे मैंने बिल्कुल कर दिए आपकी दया से। अरे वाह भाई वाह। और सर एक मेरा सवाल है, ये मोटापा बढ़ जाता है ना, जैसे पेट बढ़ जाता है, ये तो मैं भी देखता, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। वो भी प्रोग्राम देख रहे हैं जिनका है वो केस, वहां तुम देखना, वहां गुरु जी बताएंगे आपको सारा कुछ। और सर हम तो यही दुआ करा है कि जब तक आपकी जिंदगी है ऐसी हमारे को दिखते रहे आप यही बैठे हुए। और आपके केस तो मेरे पास बहुत आते हैं सर, मैं बहुत हूँ, कम से कम 30-35 तक पहुंच गया मैं, जो मैंने ठीक कर दिए है। ठीक है। और दिन रात सेवा, यही सोचता हूँ कि दिन रात सेवा में ही निकल जाए जिंदगी। आप क्या वैद्य हैं क्या आप? मैं शुरू से मतलब मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन आपको देख के तो इतना मैं ज्यादा हो गया कि बस मेरे को कोई काम ही नहीं सूझता। ठीक है जी। हाँ मैंने ऑर्डर करके दवाइयाँ आपसे ये मटेरियल मंगवा रखा है, आज पहुंच जाएगा, फोन आया था उनका वहां से। ठीक है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं आप, मैंने आपको देखा नहीं लेकिन समझ में आता है कि आप 30-35 लोगों को फ़ायदा पहुंचा चुके हैं। यही था हमारा मकसद कि जो भगवान से डरने वाले लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं, और भगवान ने हमारी बात सुन ली है, जो आप जैसे लोगों से हमारे संपर्क में डाला है, और जुड़े रहना, हमेशा जुड़े रहना, मेरे बाद भी जुड़े रहना, ये नुस्खे भूलना नहीं, और जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए।
और शायद मैंने कहा भी था कि शैलजा आपको फोन करेगी, इनका नंबर। जी जी, ये करनाल में रहते हैं। अच्छा जी, यही है ना आसपास? जी। तो शैलजा आपको और आपके तमाम मरीजों को जिस दिन आएगी सबको जमा करना, सबके इंटरव्यू लेगी। किसी कोई आदमी अच्छा काम करता है तो उसकी तस्वीर, उसकी उसको दिखाना भी चाहिए। बुराई बुराई दिखती है, जहाँ देखो, अखबार में देखो, टीवी पे देखो। हम अच्छाई फैलाना चाहते हैं, तो आपकी ये अच्छाई हम फैलाना चाहते हैं अपने चैनलों के ज़रिए और यूट्यूब के ज़रिए, जो भी ऐसे प्लेटफार्म हैं। तो ये शैलजा आपके कांटेक्ट में रहेंगी, ये अपनी टीम लेकर पहुँचेंगी, आप सेवा करते रहिए। और दुबला करने के लिए शायद आपने नुस्खा पूछा था, तो बहुत अच्छा नुस्खा है भाई, बहुत ही कामयाब। ये जो नमक जैतून आप जानते ही हैं, एक चुटकी, और खाने का सोडा एक चुटकी, दो गिलास पानी मिलाकर दिन में दो बार पिलाइए, चाहे खाने से पहले पिलाएं चाहे बाद में। इतनी तेज़ी से चर्बी इससे जलती है, गलती है, पेट कम होता है, वेट कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, और हार्ट ब्लॉकेज तक की दुश्मन है ये। ब्रेन हैमरेज किसी को हो जाए, फालिज हो जाए, किसी का पेट ठीक नहीं हो, किसी का लीवर ठीक नहीं हो, किसी की किडनी सही नहीं हो, इन सब में यकसा काम करता, एक सा काम करता। तो ये नुस्खे आप अपने पास रखना, कोई और चीज़ आपकी खो जाए ये नुस्खे नहीं खोने चाहिए। और ये नुस्खे फैलाते रहिए, इतना फैलाइए कि आपके आसपास कोई नज़र ना आए मरीज़। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान आपसे बहुत खुश होगा और हम भी आपसे बहुत खुश हैं।